सिद्धार्थ जी तैयार है, आज है बुधवार और एक बार फिर से वो बुधवार आया जिस दिन छुट्टी नहीं है, नहीं तो सिद्धार्थ जी को, सिद्धार्थ जी ऊपर वाला भी चाहता है कि आप कम काम करें, हर बार छुट्टियां मिड वीक में, जिसे हमारे दीप कहते हैं मिड वीक हॉलीडे, वो बुधवार को ही आते हैं, फिर भी आप अपना काम पूरी तरह से मेहनत मशक्कत के साथ करके तैयार रहते हैं और हमारे साथ तैयार है आपको इन्वाइट करने के लिए बिगुल सिट की सिट। बनाए सिद्धार्थ जी आज की थीम कौन सी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, होपफुली ऐसा रहे कि बुधवार आने वाले महीनों के वर्किंग रहे तो ऑन टाइम ही सिट की सिप आ जाएगी। तो आज का जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजार 2020 के गिरावट के बाद अपने ही इक्विटी मार्केट अपने ही टशन में आ गया है, वैसा ही एक सेक्टर है जो अपने ही टशन में चल रहा है और वो टशन बरकरार है और वो सेक्टर है टेक्नोलॉजी का, आईटी का। तो आज का जो थीम है वो है टेक्विटी, क्योंकि इक्विटी भी टशन में है और टेक्नोलॉजी भी टशन में है, तो टेक्विटी है आज का थीम, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इक्विटी। क्योंकि बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हम तो डेवलप नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी के शेयर तो खरीद जरूर सकते हैं, 7.7% का जीडीपी का ग्रोथ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है टेक्नोलॉजी आज, जो 10% कर सकता है, $350 billion का ये मार्केट बन सकता है टेक्नोलॉजी आईटी स्पेस का। मुझे लगता है कि डिजिटल स्पेस और क्लाउड स्पेस, ये दोनों ही स्पेस बहुत ही मजबूत है और इसी के कारण ये पूरा ही टेक्नोलॉजी का स्पेस बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। BFSI भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए। तो आज का जो थीम है वो है टेक्विटी। कल की ही एक बात करूंगा अनिल जी कि कल एप्पल के नतीजे आए अमेरिका में, बहुत दमदार नतीजे आए, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया, 50% का ग्रोथ देखने मिला। तो मुझे लगता है कि आज जो टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी गिरावट अगर हो, ये मौका है टेक्नोलॉजी खरीदने का। टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी करने की राय है सिद्धार्थ जी की तरफ से, और सिद्धार्थ जी बताइए टेक्नोलॉजी शेयर में कौन सा शेयर खरीदना है, कितना खरीदना है, कितने प्रोपोर्शन में खरीदना है और कितने रिटर्न के लिए खरीदना है, हमारे सारे ढेर सारे सवाल हैं। आई एम श्योर आपकी रिसर्च तो तैयार होगी, सब कुछ आप पूरा काम करके ही आए होंगे, बताएं सर। बिल्कुल, जी बिजनेस पे आए हैं तो पूरा काम करके ही आए हैं। पहला स्टॉक जो होगा टेक्विटी का वो होगा एम्फसिस। एम्फसिस पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 3130 का, 30% लगाने हैं 100 रुपए में से। एप्लीकेशन सर्विसेस, BPO, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक में बहुत दमदार अच्छा काम करती है। अभी Q1 के नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं, डील विंस 2x डबल हो गए हैं डील विंस, और मुझे लगता है कि 16% का अबिट मार्जिन हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए एम्फसिस 3130 के टारगेट के लिए। दूसरा टेक्नोलॉजी शेयर होगा L&T इंफोटेक, जिसे हम LTI भी कहते हैं, जिसका टारगेट होगा 4720। इस पे खरीदारी की राय है, डिजिटल सॉल्यूशंस, BFSI, रिटेल, हेल्थ केयर के लिए बनाती है। 71 करीब क्लाइंट है, Fortune 500 के 71 क्लाइंट इनके खुद के हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। 10% का ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं और नेट मार्जिन 14-15%, इसमें भी आपको 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। तीसरी कंपनी जो होगी टेक्विटी में वो होगी साइंट। साइंट पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 1240 रुपए का, 20 रुपए लगाए 100 रुपए में से। इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, बड़े बड़े सेक्टर्स को केटर करती है टेक्नोलॉजी स्पेस में, नेट डेट फ्री, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और ऑर्डर इंटेक, डील विंस भी बहुत दमदार है, 21% से ग्रो हुई है, इसको जरूर खरीदे 1240 के टारगेट के लिए। और चौथी कंपनी जो है आज टेक्विटी में वो है जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक्नोलॉजी में 20 रुपए लगाने हैं अंतिम के 100 रुपए में से, टारगेट होगा 480 रुपए का। इसमें ये RPG ग्रुप की कंपनी, बहुत ही दमदार टेक्नोलॉजी कंपनी, और सबसे बड़ी चीज वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ती है ये सारे समूह में। तो जेंसर टेक्नोलॉजी जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लेके आया है और कमेंट्री भी इनके कॉन्कॉल में जो कल हुआ वो बहुत दमदार रहा है, जेंसर पे भी खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 480 का। तो इक्विटी और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर लीजिए टेक्विटी। ओके, तो ये है आपके
चार बेहतरीन स्टॉक एम्फेसिस लिमिटेड, एलएनटी इंफोटेक, साइंट और जेंसार टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता था आपसे, एक भी लार्ज कैप शेयर आपने लिया नहीं, थोड़े एम्फेसिस और एलएनटी बड़े बोल सकते हैं, एफएनओ वाले, साइंट जेंसार थोड़े और भी छोटे हैं, ऐसा क्यों? उसके दो कारण है अनिल जी। पहला तो वो सदाबहार है, वो एक एसआईपी टाइप के स्टॉक्स है, जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक की बात करें। और दूसरा कारण मुझे लगता है कि अभी मिड कैप आईटी बहुत सालों के बाद बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है, मार्जिन्स बहुत बड़े इंप्रूव हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मिड कैप कैटेगरी के जो टॉप लेयर के जो स्टॉक्स है उसके नीचे की कैटेगरी है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले 6 से 12 महीने। ओके, तो ये है मिड कैप शेयरों की परफॉर्मेंस बेहतर रह सकती है लार्ज कैप्स के मुकाबले में, ये मानना है सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी की गहरी पकड़ है आईटी शेयरों पर, सिद्धार्थ जी की गहरी पकड़ है केमिकल शेयरों पर, सिद्धार्थ जी की गहरी पकड़ है कैपिटल गुड शेयरों पर, लगभग सारे सेक्टर पर तो है, मैं एक एक करके ऐसे बोलता रहूंगा तो फायदा नहीं। सिद्धार्थ जी की गहरी पकड़ है अपने रिसर्च वाले स्टॉक्स पर, तगड़ी पकड़ रखते हैं। सिद्धार्थ जी शुक्रिया ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और आइए बढ़ते आगे, वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वर्णन।